नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिलीप गंगवार और ये हमारा टॉपिक हाउ टू मेक योर पीसी और लैपटॉप रन सुपर फास्ट। 23 वेज मुझे बताने थे जो हमने पिछले पार्ट्स में कर लिए कई तरीके, और आगे हम कंटिन्यू करते हैं इसमें। तो ये 19th स्टेप है हमारा, इंक्रीज प्रोसेसर परफॉर्मेंस। कैसे हम अपने प्रोसेसर की परफॉर्मेंस बढ़ा सकते हैं, ठीक है ना। तो उसके लिए हम सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे। सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन में जाने के लिए आप विंडो आर करें और एमएस कॉन्फ़िग लगा लें तो ये आ जाएगा आपके सामने, ठीक है। विंडो आर, आपको बस एमएस कॉन्फ़िग लिखना है, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, बूट ऑप्शन में जाना है, बूट में। और एडवांस्ड बूट ऑप्शन में जाएंगे, देखो आपको यहाँ प्रोसेसर, देखो एक ही प्रोसेसर यूज़ हो रहा है, ठीक है ना। मैक्सिमम प्रोसेसर्स हैं वो मैक्सिमम चूज कर लो। मेमोरी आपकी 4000 हाई, आपकी 4GB, तो ये ठीक है बिल्कुल। और ओके, ये हम कर चुके हैं इसलिए है वो, ठीक है। अप्लाई एंड ओके, ठीक है। रीस्टार्ट अभी मैं नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। और इस तरीके से हमने अपने प्रोसेसर की परफॉर्मेंस बढ़ा दी है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा 20th पार्ट है, एडिट रजिस्ट्री टू इंक्रीज सिस्टम परफॉर्मेंस। रजिस्ट्री, जो हमारी रजिस्ट्री एडिट होती है वो भी विंडो आर, और हम जाएंगे रजिस्ट्री एडिट, REG और एडिट, एंटर करेंगे तो ये रजिस्ट्री एडिट हमारी PC की खुल जाती है, ठीक है ना। इसमें हमें थोड़ा सा इसका प्रोसीजर लंबा है, उसको ध्यान से देख लें। एक तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें कहाँ जाना है, H की लोकल मशीन, ठीक। और उसके बाद हम क्योंकि सिस्टम का बढ़ा रहे हैं तो दूसरे नंबर पे हमें कहाँ जाना है, सिस्टम में जाना है। और सिस्टम के अंदर हमें करंट कंट्रोल सेट, ये हमारा करंट कंट्रोल सेट है, यहाँ पे आ गए हम, ठीक है। ये है करंट कंट्रोल सेट, और उसके अंदर हमारा कंट्रोल है, और उसके अंदर हमारा है सेशन मैनेजर। एस पे आ जाओगे आप, सेशन 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 एरा, ठीक। ये हमारा सेशन मैनेजर आ गया, और सेशन मैनेजर के अंदर आ गए हम मेमोरी मैनेजमेंट, ठीक है। ये मेमोरी मैनेजमेंट आ गया, और उसके अंदर प्रीफेच पैरामीटर आ गए, ठीक है। और प्रीफेच पैरामीटर के अंदर इनेबल सुपर फेच, ये है। इस पर डबल क्लिक करेंगे, ये 3 जो इसका वैल्यू डेटा है इसको 0 में कन्वर्ट कर दो और ओके, ठीक है। बहुत ही इफ़ेक्टिव तरीका है जो आपके कंप्यूटर को फास्ट बनाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा 21, चेंज फोल्डर व्यू ऑप्शंस। छोटी बात है पर बहुत ही इफ़ेक्टिव है। आप माय कंप्यूटर हमने खोला, इसमें आप देखो व्यू ऑप्शंस में जाते हैं, व्यू में और ऑप्शंस में जाते हैं तो हमारे पास फोल्डर ऑप्शंस खुल जाते हैं। फोल्डर ऑप्शंस में आप व्यू में चले जाएंगे तो आप ये देखो यहाँ पे क्या लिख रखा है, ऑलवेज शो आइकन्स नेवर थंबनेल्स। इसको मतलब करना है, ज़्यादातर क्या ऐसा रहता है आपकी पीसी में, ये सेटिंग्स रहेंगी, आपको इसको हटा देना है थंबनेल्स वाले को और इसको रखना है, यानी आपको थंबनेल्स नहीं देखने हैं, ठीक है ना। और उसको अप्लाई करना है एंड ओके, ठीक है। इससे आपकी परफॉर्मेंस बढ़ जाएगी पीसी की। उसके बाद 22nd जो हमारा 22nd है हमारा टॉपिक स्टेप, स्कैन विद मेलिशियस सॉफ्टवेयर रिमूवल टूल। एक हमारा विंडो का सॉफ्टवेयर रिमूवल टूल है MRT। जैसे आप MRT खोलोगे, आप उससे अपने सिस्टम को मेलिशियस, कोई भी अगर ऐसा कोई वायरस है या कुछ है उसके लिए आप उसको स्कैन कर सकते हो उसके लिए, ठीक है। ये देखिए आपका टूल है, आप नेक्स्ट करेंगे और क्विक स्कैन, फुल स्कैन, जैसा भी आप चूज करें, फुल स्कैन चूज करना चाहिए हमेशा, और इससे आपका PC स्कैन हो जाएगा। जो भी इन्फेक्शंस होंगे वो यहाँ आपको दिख जाएंगे क्लियर, और जो हों उनको शॉर्ट आउट करो आप। और अगर आपको नहीं समझ आ रहा है गूगल करो, नहीं समझ आ रहा है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। उसके बाद लास्ट टॉपिक हमारा क्या है, ये कोई ऑप्शन नहीं है, ये है जब आपका विंडो, आपकी प्रॉब्लम्स आपकी ख़त्म ही नहीं हो रही हैं, प्रॉब्लम PC बहुत स्लो है और पता नहीं क्या क्या प्रॉब्लम्स हो रही हैं, इन सब के बाद भी ख़त्म नहीं हो रही है, तो आप अपनी विंडो को रीसेट कर सकते हो। रीसेट में जाके रीसेट दिस PC और गेट स्टार्ट पे करोगे आप
तो वो रीसेट मांगेगा अपने आप, प्रोसेस यस नो करते जाओ और रीसेट कर दो उसको। पर रीसेट में होगा क्या, आपको कीप माई फाइल्स या रिमूव एवरीथिंग। अगर आप रिमूव एवरीथिंग करोगे, इस कंप्यूटर से सब कुछ हट जाएगा, आपकी सिर्फ विंडो रह जाएगी और आपने फालतू के जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करे थे वो सब क्लीन हो जाएंगे, आपकी विंडो एकदम नई हो जाएगी, न्यू विंडो की आपको ज़रूरत नहीं होगी, वही विंडो में से आपके सारे एक्स्ट्रा जो आपके इंस्टॉल्ड आपके प्रोग्राम थे या मेलिशियस थे या आपको अननोन थे, वो आपके सब ख़त्म हो जाएगा, बिल्कुल रिफ्रेश विंडो, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है आपकी, अगर रीसेट आप नहीं करना चाहते हो, आपके पास विंडो बूटेबल है, तो आप क्या कर सकते हो, आप नई विंडो डाल लो, ठीक है, रीइंस्टॉल कर लो, ये आपका लास्ट ऑप्शन है, ठीक है। तो ये हम मैंने जो आपको कंप्लीट लगभग मैंने रिसर्च करके लगभग जितने भी ऑप्शन हो सकते हैं कंप्यूटर को फास्ट बनाने के लिए, बहुत ज़्यादा टेक्निकल सिंपल बहुत सारे ऑप्शंस, 23 ऑप्शंस लगभग मैंने बताए हैं आपको चार पार्ट्स में। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं कुछ और लेके, थैंक यू।